तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग कुछ अलग वीडियो ट्राई करने वाले हैं अपने इस चैनल पर। इस पे मैंने हमेशा से क्विज वीडियोस डाले हैं और तुम लोग मुझे माइनक्राफ्ट खेलते हुए देखना ज्यादा पसंद करते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। मतलब कि हम माइनक्राफ्ट का क्विज खेल रहे हैं इस वीडियो में। हाँ, इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि मुझे कितना माइनक्राफ्ट आता है और तुम लोग का भी मैं देख ही लूंगा। तुम लोग कमेंट तो करोगे ही ना नीचे। तो ये देखो, ये है हमारा वो माइनक्राफ्ट का मैप। इसको जैसे ही अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बड़ी फनी चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने इस मैप को खोला और फिर मैंने अपने कैरेक्टर स्टीव को देखा, घुसा दिया है। मतलब कोई सेंस है इस चीज का? भाई पता नहीं क्या वियर्ड चीज किया है इसके मैप बनाने वाले ने। तुम लोगों को क्या लॉजिक लगता है, मुझे तुम्हारा लॉजिक कमेंट में बताओ, मैं पढ़ूंगा। अभी हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं। ओहो, स्टार्ट हो गया है। ओके, तो बीच में यहाँ पे रहेगा बटन और वहाँ पे रहेगा 3 गेट। जैसे हम लोग बटन प्रेस करेंगे, हमें क्वेश्चन दिखाई देगा और जो उसका आंसर होगा वो गेट के ऊपर में लिखा है। तो हमें जो सही आंसर है उस गेट के अंदर से निकलना है। तो पहले मैं पहला बटन दबाता हूँ। ओके, क्वेश्चन लिखा आ गया। व्हाट गेम आर यू प्लेइंग राइट नाउ? व्हाट, मतलब इतना डम क्वेश्चन। चलो ठीक है, लेवल 1 है तो शायद टेस्ट कर रहा होगा। माइनक्राफ्ट, टेरेरिया या स्पाइडरमैन माइल्स मॉरल्स? मुझे तो नहीं लगता स्पाइडरमैन के सर पे ऐसा डंडा घुसा हुआ था। लेकिन ठीक है, पहला आंसर है माइनक्राफ्ट। तुम लोगों ने अगर स्पाइडरमैन सोचा है ना। अभी सेकंड वाला देखते हैं। विच ऑफ दिस ब्लॉक्स स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग फॉल डैमेज? इनमें से कौन सा ब्लॉक हमें फॉल डैमेज होने से बचाता है? तो पहला ब्लॉक का नाम है ऑब्सीडियन। ऑब्वियसली ऑब्सीडियन से तो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। वाटर, वाटर कोई ब्लॉक नहीं है। उसमें लिखा हुआ था विच ऑफ दिस ब्लॉक, वाटर तो वाटर है, वाटर तो लिक्विड है। और लिखा बेडरॉक, बेडरॉक से तो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। भाई कहना क्या चाहते हो, तीनों में से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये फॉल डैमेज से बचाता है, लेकिन ये ब्लॉक नहीं है। भाई पता क्या लॉजिक लगाया है इस वाले में, लेकिन अब ये ही होना चाहिए। अगर हम लोगों ने गलत जवाब दिया ना तो हमें टॉर्चर किया जाएगा। मतलब ऐसी जगह फंस जाएंगे जहां से हमें कैसे भी करके बाहर निकलना है सिचुएशन से, फिर हम यहाँ पहुंचेंगे। अगर इसमें वाटर में मुझे फालतू में फंसाया ना तो मैं समझ जाऊंगा मैप बनाने वाला ही गधा है। वाटर ही इसका आंसर होना चाहिए। भाई का आंसर ही गलत था। चलो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ दिस मॉब्स इज हॉस्टाइल? हॉस्टाइल मतलब क्या हुआ, अनफ्रेंडली, जो हम लोग से लड़ता हो। तो भाई बहुत अच्छा होता है, वो हमें मीट देता है, लेदर देता है और मिल्क भी देता है। तो खाओ तो हो ही नहीं सकता। चिकन, चिकन से हमें चिकन मिलता है, फेदर मिलता है और वो तो बड़ा प्यारा होता है। थर्ड है ज़ॉम्बी। ऑब्वियसली इसके अलावा कुछ हो सकता है? चलो ज़ॉम्बी में। यू थिंक यू आर प्रीटी स्मार्ट, हाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लॉक टाइप इज दिस? ओके, अच्छा, ये जिस लॉक पर ये बटन रखा है हमें उसका टाइप पूछ रहा है। यार ये लॉक तो मैंने शायद ही देखा है, तोड़ के देख लेता हूँ। टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। टूटता तो कितना मजा आता ना, अभी हाथ में ले लेते। यहाँ पर लिखा है डार्क ओक? नहीं, डार्क ओक नहीं है, ये तो मुझे अच्छे से पता है। अभी लास्ट वीडियो में जो हम लोग रैंडम माइनक्राफ्ट खेल रहे थे उसमें हमें डार्क ओक के बदले एक्स मिला था, वो भी स्टोन का, तो डार्क ओक तो है ही नहीं। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे है। जंगल का लॉक, जंगल का हो सकता है क्योंकि इसका थोड़ा कलर भी देखो, इसमें मिट्टी लगा हुआ है, तो आई गेस जंगल का हो सकता है। लेकिन तीसरा क्या है, बिर्च? बिर्च रॉक तो है ही नहीं। आई थिंक बिर्च लॉक पूरा व्हाइट होता है क्या, लेकिन ये बिर्च नहीं है, फिर जंगल ही होना चाहिए। तो बोलो तुम लोग, लॉक कर दिया जाए? चलो ओके, बच गए। जंगल वुड इज अ टाइप ऑफ वुड। अरे यार, और ये क्या है, काव पंपकिन पे क्या रखा हुआ है? व्हाट इज दिस ब्लॉक कॉल्ड? मतलब मैंने पहले ही बोल दिया काव पंपकिन है, काव पंपकिन ऑब्वियसली, लेकिन देखते हैं दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा है। पंपकिन, पंपकिन है देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ काव बना हुआ है ना, इतना सामने तो रखा हुआ है। यहाँ बना होता तो फिर भी मैं सोचता। जैको लैंटर्न, जैको लैंटर्न हो ही नहीं सकता क्योंकि अंदर में लैंटर्न जलेगा नहीं, तो ये काव पंपकिन है। पहले बार में आंसर दे दिया, ट्रिक क्या होना है इसमें? यहाँ पे हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस मैप? इस मैप का क्रिएटर कौन है? इस क्रिएटर का नाम तो यहाँ चीख चीख कर दिखा रहा है, डॉक्टर जोनस फोर। ऑब्वियसली यहाँ इन्होंने और बाकी दो नाम में क्या डाला है, यहाँ पे डॉक्टर जोनस फोर, यहाँ क्या लिखा है IDE के LOL, आई डोंट इवन नो, ऐसा तो है ही नहीं। और यहाँ फिर से डॉक्टर जोनस फोर, तीन में से दो ऑप्शन तो इसके आंसर ही है। अभी मैं किस वाले में जाऊँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, इसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ? चलो इसमें चलो। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस है कि उसमें से आऊँ क्या, देखते क्या होता, वापस जा सकता हूँ? अरे वापस जा सकता हूँ यार, मैं कितनी बार भी आगे पीछे हो सकता हूँ, ये गुड जॉब लिखाएगा।
चलो अभी उधर में से जाके देखते तब क्या लिखा था, तो भी गुड जॉब लिखा रहा है। और अब यहाँ से जाऊँ तो ये मुझे कोई ना कोई पनिशमेंट देगा, लेकिन देखते हैं। ए पनिशमेंट दे दिया। Honestly, you deserve to die for that. अपने बाप भी मुझे कहाँ डाला? ओहो, और मैं चेक पॉइंट पर आ गया हूँ, ये कहा पंपकिन पे आ गया हूँ। चलो मैं वापस इधर आ गया हूँ नेक्स्ट लेवल पे। और यहाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस ब्लॉक्स इज अफेक्टेड बाई ग्रेविटी? ग्रेविटी से कौन सा ब्लॉक अफेक्ट होता है? ग्रेविटी से अफेक्ट होना मतलब कि जब हम उसे पैर रख देते हैं वो तो नीचे गिरता है। तो ऐसा पहला ऑप्शन है सैंडस्टोन। सैंड के साथ होता है, लेकिन सैंडस्टोन के साथ ऐसा नहीं होता है। मतलब डेजर्ट टेम्पल ये सब सैंडस्टोन से बनाया हुआ होता है। ग्रेवल, ग्रेवल के साथ होता है क्योंकि उसमें से फ्लिंट निकलता है, हम लोग उसे शॉवल से निकालते हैं। और बोन ब्लॉक तो नेदर में मिलता है, उसके साथ तो कभी नहीं होता। तो ग्रेवल इसका आंसर है। तुम लोग क्या अभी तक सही आंसर दे रहे हो? तो वीडियो को लाइक मार दो, लाइक मारना जरूरी है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करो, अभी तक क्यों नहीं किया है तुम लोगों ने? ओके, ये तो वो नेदर वाला वुड है ना। तो क्या क्वेश्चन है, व्हाट लॉक टाइप इज दिस? इस लॉक का टाइप का नाम याद नहीं है मुझे, मुझे बस इतना याद है इससे ब्लू कलर का गेट बनता है, जो हम लोगों ने अपने टिकटॉक हैक वाले वीडियो में भी लगाया था, एक सीक्रेट हाउस में लगाया था, वो इसी वुड से बनता था वो गेट। अभी नाम याद नहीं है। ओक लॉक तो है ही नहीं। क्रिम्सन स्टैम, क्रिम्सन स्टैम भी आई थिंक नेदर में ही मिलता है, लेकिन थर्ड ऑप्शन क्या है? वॉप्ड स्टैम। देखो क्रिम्सन कलर मुझे पता है, थोड़ा रेडिश टाइप का कलर होता है, तो क्रिम्सन स्टैम तो नहीं होना चाहिए। मुझे रॉब्ड स्टैम के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओक लॉक तो है ही नहीं, तो इस ऑप्शन को ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, एमसीक्यू में जैसा हम लोग कैंसिल करके थर्ड वाले ऑप्शन को राइट कर देते कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होना चाहिए। मुझे भी वही लग रहा है। चलो रैप स्टेम में चलते हैं। ओहो भाई सही हो गया, ये तुक्का लग गया। अगर इधर जाते तो गलत ही होता, लेकिन अगर मैं इधर से उल्टा जाऊं तब मैं क्या फंसूंगा क्या? ओहो ये मुझे डाल दिया। क्रिम्सन स्टेम इज रेड, देखा मैंने बोला था क्रिम्सन स्टेम रेड होता है, मतलब मैं सही था। लेकिन ये बड़ा अलग टाइप से टॉर्चर करता है यार, कहाँ डाला मुझे कुछ दिखा भी नहीं। फिर से पंपकिन वाले पे आ गया, हमारा वो चेक पॉइंट था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस ब्लॉक्स इज अनब्रेकेबल इन सर्वाइवल माइनक्राफ्ट? इनमें से कौन सा अनब्रेकेबल है? एंशिएंट डेब्रिस तो नहीं, माइनक्राफ्ट में होता है, उसी के अंदर से तो हमें वो नेदरराइट का वो सब चीजें मिलती है। क्राइंग ऑब्सीडियन भी हम तोड़ सकते हैं, बहुत इजी है। बेडरॉक नहीं तोड़ सकते, जीरोथ लेवल पे बेडरॉक ही तो लगा हुआ होता है, तो हम बेडरॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वाटर बी प्लेस्ड इन द नेदर? भाई नेदर पूरा गर्म होता है यार, मतलब इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेदर पे हम बेड भी नहीं लगा सकते, एनसीटी पे भी हम बेड नहीं लगा सकते, और नेदर में हम पानी नहीं रख सकते। एनसीटी पे एटलीस्ट पानी तो रख सकते हैं क्योंकि नेदर पूरा गर्म होता है, वहां से लावा ही लावा है, पानी कहाँ रखेंगे, भाप बन जाता है वो। तो नो होगा इसका आंसर। गेट इट, कॉज द नेदर इज हॉट। Which of this is not a dye? इनमें से कौन सा dye नहीं है? Blue dye होता है, blue color के flower से मिलता है हमें। Light green dye भी होता होगा, होता ही होगा क्योंकि green color का flower मिलता है। और yellow dye भी होता है। ये बड़ा confusing हो गया है। Blue dye होता है, light green dye भी होता ही होगा, और yellow dye भी होता है। हा हा हा, मैंने blue flower देखा है, yellow flower भी देखा है, light green flower मतलब green और light green, बस light लगा दिया आगे। Light green होता है क्या? पिछले वीडियो में हमें lime color का वो कारपेट मिला था। भाई ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, मतलब मुझे ब्लू और येलो में श्योरिटी है, लेकिन लाइट ग्रीन भी तो होना ही चाहिए। एक बार जाके देख लेते हैं कुछ होगा तो। बड़ा अजीब सा लगता है वो टॉर्चर वाले जगह में जाना, लेकिन एक काम करते हैं, इस पे मैं पैर नहीं रखूंगा, डायरेक्ट निकल जाऊंगा। अरे यार, यस बिकॉज इट्स एक्चुअली कॉल्ड लाइम डाई, इन केस यू आर जस्ट गेसिंग। ऑब्वियसली मुझे पता था, मैंने बोला था कि वो लाइम कारपेट होता है, सही था। ओके ओके, हाउ फार कैन वाटर ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स ब्लॉक? वाटर कितना दूर तक जा सकता है अगर हम से नीचे गिराते हैं? यार वाटर तो काफी दूर जाता है ना, पानी देखते हैं काफी नीचे तक जाता है। यहाँ पर गिराते हैं तो एक दो तीन एटलीस्ट पांच से छह तो जाता ही है। छह ब्लॉक, हाँ छह ब्लॉक हो सकता है। सेवन ब्लॉक्स तो ज्यादा हो गया यार, इतना नहीं जाता है। एट तो बहुत ही ज्यादा हो गया, आई डोंट थिंक सो एट जाता है। सिक्स होना चाहिए, मुझे सिक्स लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, अब तो ये डिफिकल्ट हो गया है थोड़ा। सिक्स में से चलते हैं। अरे यार तो डायरेक्ट हमें कहाँ डुबो दिया, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया। डायरेक्ट दे ऐसे क्यों करते हो यार, मतलब बार बार वहां तक जाना पड़ता है। चलो सिक्स तो हमारा कैंसिल हो गया, सेवन ब्लॉक्स पर जाकर देखते हैं। ओ सेवन सही है। डिड यू नो ऑस्ट्रेलिया इज होम टू 1500 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्पाइडर? वाओ ये नहीं पता था। इसका मतलब क्या स्पाइडरमैन भी ऑस्ट्रेलिया से? हो सकता है। How far can lava travel from its source block in the overworld? Overworld मतलब कि हमारा सरफेस लेवल पे। लावा आई थिंक ज्यादा दूर नहीं जाता होगा क्योंकि लावा थोड़ा जाड़ा होता है, तो तीन या चार ब्लॉक में से एक होना चाहिए। पानी तो सेवन ब्लॉक्स था, तो आई डोंट थिंक पानी और लावा सेम पे होते होंगे। थ्री ब्लॉक्स तो बहुत कम है, तो फोर ब्लॉक्स पर चलते हैं।
वाह भाई, इसने लावे पे गिरा दिया हमें। यू आर रॉन्ग, तो सही बता दे। बार बार पीछे भेजता है। 3, 4 और 7। 4 पर गलत हुआ, 7 तो फिर क्या पानी के बराबर जाता है। चलो भाई, दैट्स लावा इन द ओह। अरे भाई शांति नहीं, कैसे मारे जा रहे हैं यार। मतलब क्या लावा सिर्फ 3 ब्लॉक्स जाता है? मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, एटलीस्ट 4 ब्लॉक्स तो जाता ही होगा। मुझे देखना पड़ेगा ये चीज। लुक इट अप इफ यू डोंट बिलीव मी, इट्स ट्रू। मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही लिखा आ जाता है। व्हाट इज द ओरिजिनल माइनक्राफ्ट प्लेयर स्किन कॉल्ड? ऑब्वियसली जो हम लोग बन रखे हैं, इसका नाम क्या है? हाँ वो एंड रोड को छोड़ो तुम लोग, लेकिन इसका नाम क्या है? स्टीव। इसका आंसर स्टीव है। एलेक्स, एलेक्स तो है नहीं, एलेक्स तो बेचारी लड़की है। ये क्या है? पॉल बार्ट मॉल, पॉल ब्लार्ट मॉल को, ये क्या होता है भगवान जाने। स्टीव, स्टीव इज द राइट आंसर। ओ हो हो, इसमें ऑप्शंस देखो। अरे बाप रे बाप, इतने ज्यादा ऑप्शन क्या दिया है भाई क्वेश्चन में। हु इज द बेस्ट माइनक्राफ्ट यूट्यूबर? तुम्हें क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलो शुरू से देखते हैं। अपना तो कोई डालेगा नहीं। डेन टीडीएम, पॉपुलर एमओज, रिस्टन प्लेज, अनस्पीकेबल गेमिंग, जेले, बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स का नाम लिखा हुआ है। भजन कैनेडियन, बम्बो जम्बो, ग्रैंड ब्रैंड, बहुत सारे नाम दिए हुए। यार अपना नाम तो कोई डालता ही नहीं है यार। तुम लोग को क्या लगता है? तुम लोग का ओपिनियन मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है, प्लीज बताना। अभी इसमें मैं किस में जाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर तो पीड़ीपाय है, मैं पीड़ीपाय पे चलता हूँ। ओके हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस आइटम कैन नॉट बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर अ फर्नेस? फर्नेस में हम क्या चीज को एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते? देखो मुझे तो पहले सिर्फ कोल के बारे में पता था, धीरे धीरे मुझे पता चला कि हम वुड्स भी यूज कर सकते हैं। तो ओक प्रेशर प्लेट वुड से बनता है, तो ये होना चाहिए आई गेस। लैक्टर्न भी होना चाहिए, क्रिम्सन स्टैम, वो भी देख स्टैम है, वो भी होना चाहिए। लैक्टर्न का यार मुझे इतना आइडिया नहीं है। क्रिम्सन स्टैम, ये तो नेदर का स्टैम है, लेकिन स्टैम तो है। लैक्टर्न में जाके देखिए क्या, मुझे आइडिया नहीं है, गेस कर रहा हूँ। गलत। अरे बाप रे, इतना जोर जोर से मेरे पीठ पर तीर मारा है यार। विच ऑफ दिस आइटम कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ फर्नेस? लैक्टर्न गलत हुआ, लेकिन मुझे एक बार फिर से जाके देखना उसने मुझे मारा क्या चीज से था। रुको, ओए इस बार अलग यार, हर बार अलग अलग तरीके से मारता है यार ये। बाप रे बाप, ओए देखा तुम लोगों ने, यहाँ पर भी फटा, मतलब इस मैप में आने के बाद भी फट गया। ओ भाई, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेशर प्लेट या फिर क्रिम्सन स्टैम? आई थिंक क्रिम्सन स्टैम ही होना चाहिए। ओके, डिड यू नो मैकडॉनल्ड्स वंस मेड अ बबल गम फ्लेवर ब्रोकली? बबल गम फ्लेवर जी। ओके आगे देखते हैं। व्हाट वर्जन ऑफ माइनक्राफ्ट वाज द एंड एडेड? कौन से वर्जन में एंड को इंक्लूड किया गया था? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो एंड मेरे ख्याल से फर्स्ट वर्जन में तो नहीं आया होगा, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि माइनक्राफ्ट को थोड़ा सा ड्रामेटिक एंड देने के लिए उसमें ड्रैगन को ऐड किया गया था। प्री रिलीज 1.8 में हो सकता है, लेकिन जावा 1.1 भी बहुत अर्ली है, ये तो गेस करना पड़ेगा। देखो ये मिडल वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 1.1 हो सकता है कि इनके जल्दी दिमाग में आ गया, लेकिन ज्यादा चांसेस है 1.8 का प्री रिलीज। नहीं ओ भाई साहब, मतलब मेरा किस्मत तो है ही नहीं ना। किस्मत नाम की चीज कहाँ है? तुम लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या करें? वापस से वहां जाना पड़ेगा। इसका आंसर होना चाहिए फिर तो 1.1 तो होएगा ही नहीं। अरे मतलब फर्स्ट वर्जन में ही था एंड आ गया था। अरे बाप रे बाप, रुक डाउन, एक मिनट, ये कहाँ आ गए हम? मेरा हाफ हर्ट तो ऐसे ही चला गया। हम लोगों ने गलत आंसर दिया तो हमें बड़ा अजीब सा गेम में डाल दिया है। आई गेस मुझे मरना होगा तब मैं बाहर जा पाऊंगा। यार मरना तो बहुत आसान है, एक सेकंड में नीचे कूद जाओ। हाफ हर्ट ही तो है, तो हाफ हर्ट चैलेंज जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें मरना है। मैं भी दिखा दूंगा कि मैं बिना मरे आगे बढ़ूंगा। यहाँ आ गए, अब नीचे कहाँ जाना है? ओके यहाँ पर। तुम लोगों ने मेरा हाफ हर्ट देखा ही था, मुझे जाना कहाँ है? वहाँ पर तो हाफ हर्ट जरूर जाएगा मेरा। हाँ हमें मरना था ना, मैं मर गया। ओके रिस्पॉन, फटाफट आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ओके व्हाट मॉब इज डिपिक्टेड ऑन चिसल सैंडस्टोन? विदर तो होगा ही नहीं, विदर को तो हम सोल सैंड पे बनाते हैं ना, तो विदर तो नहीं होगा शायद। इसका आंसर क्या होगा? मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। व्हाट मॉब इज डिपिक्टेड ऑन चिसल सैंडस्टोन? क्रीपर होगा या स्केलेटन होगा? आई गेस क्रीपर होना चाहिए, क्रीपर को सैंड से बड़ा प्यार है। देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस
दिस आइटम कैन नॉट बी स्मेल्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस. ओके, ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या चीज को स्मेल्ट नहीं कर सकते? नेदर गोल्ड ओर. ओके, आगे ऑप्शन क्वार्ट्ज ओर. क्वार्ट्ज ओर को तो कर ही सकते हैं. सफायर ओर. यार मैंने सफायर ओर को यूज ही नहीं किया है अभी तक. देखो क्वार्ट्ज ओर को तो हमने बहुत यूज किया है, मेरा क्वार्ट्ज फेवरेट है, तुम लोग जानते हो. सफायर ओर मैं लाया नहीं हूँ. और नेदर गोल्ड ओर, नेदर में जो हमें गोल्ड मिलता है उसको भी हम शायद कर ही सकते होंगे स्मेल्ट. यार इस पर भी तुक्का लगाना पड़ेगा लगता है. क्या लगता है तुम्हें, वन दबाऊं या थ्री दबाऊं? क्योंकि सेकंड तो नहीं. सफायर मैंने कभी देखा नहीं है, नेदर गोल्ड और मैंने देखा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ. मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे हैं यार ये लोग. नेदर में चलते हैं, फिर से मारे गए. नहीं जाना मुझे, नीचे नहीं जाना. अरे रुक जा. अरे पहले तो बड़ा इजी सा था, अब थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछने लग गया है. ओके, तो नेदर का गोल्ड ओर नहीं है ये तो हमें पता ही है, और ये ही वाला होना चाहिए सफायर ओर जो हम लोग आज तक लाए नहीं है. गेट इट, कॉज इट्स नॉट एक्चुअली अ ब्लॉक इन द गेम. वाओ, ऐसा कोई ब्लॉक ही नहीं है. तभी मैं सोच रहा था, मैंने सोचा Solve for x. 2x minus 30 is equals to 60. Minecraft में मैथ्स के सवाल क्यों पूछ रहा है? मतलब इतना मुश्किल से मैंने मैथ से पीछा छुड़ा है और यहाँ गेम में भी मुझे मैथ पूछ रहा है. इसका आंसर तो 45 है, बच्चा भी बता सकता है. यहाँ पर 90 दिया है. लॉजिक देखो भाई, आई डोंट नो माई कैलकुलस. 45 में चलते हैं और टॉर्चर नहीं होना चाहते. हम लोगों ने 20 गेट्स पार कर लिए और ये गेट नंबर 21 है. आई गेस आज के वीडियो के लिए इतना काफी होगा. ये पूरा मैप 50 गेट्स का है, हम लोगों ने 20 कंप्लीट कर लिया है. तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग ये वीडियो कैसी लगी, तब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरा गेम कंप्लीट कर दूंगा. तो फटाफट से कमेंट कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दो, तभी तो नेक्स्ट पार्ट आएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा. और नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना. वीडियो को लाइक नहीं किया तो शर्म आनी चाहिए, लाइक करो, अभी करो, नीचे दबाओ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक तुम लोग और रिडल सॉल्व करना चाहते हो तो इन वीडियोस को देखो मेरा इस चैनल पे. तब तक के लिए बाय 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 बाय.